हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के बारे में, मींस हमारे नर्वस सिस्टम में जो मैसेजेस हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ बॉडी या पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मींस जो सेंसेशन होती है पर्टिकुलर ऑर्गन से, हमारे बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन से जो सेंसेशन होती है वो कैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रेवल करते हुए पहुंचता है, इसी प्रोसेस को हम आज पढ़ेंगे, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। ठीक, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना हुआ है? बेसिक यूनिट जो होगी वो क्या होगी? वो होगी न्यूरॉन। बेसिक यूनिट क्या होगी? न्यूरॉन होगी। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये आपस में कनेक्ट होकर के क्या बनाती हैं? ये आपस में कनेक्ट होकर बनाती हैं नर्व फाइबर। क्या बनाएंगी? नर्व फाइबर। और इन्हीं नर्व फाइबर के थ्रू क्या होता है, जो सेंसेशन होती है तो मैसेजेस एज अ सिग्नल पहुंचते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। कैसे? देखिए, जो पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, उनमें अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंसेशन होगा, जो वो कहाँ से होगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होगा। कहाँ से होगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेंसेशन होगा, वो किसके थ्रू होगा? यहाँ पे क्या होंगे? रिसेप्टर्स होंगे। क्या होंगे? रिसेप्टर्स। और यही रिसेप्टर्स क्या करेंगे? सेंस करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी चीज़ को। क्लियर हो गई बात? जो रिसेप्टर्स होंगे वो क्या करेंगे? सेंस करेंगे। ठीक, और सेंस करने के बाद में क्या होगा? जो न्यूरॉन की सबसे पहली सीढ़ी होगी, या ऐसे कहें पहला पार्ट, जो न्यूरॉन का पहला पार्ट होगा वो क्या होगा? डेंड्राइट होगा। और हलचल यहीं से होगी, डेंड्राइट से ही पहले हलचल होगी। और ये जो मैसेज है यहाँ का, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू यहाँ सेल बॉडी, डेंड्राइट से सेल बॉडी, देन एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंड, यहाँ तक जाएगा। उसके बाद में यहाँ एक गैप प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो हमारा था वो कन्वर्ट हो गया केमिकल इम्पल्स में। क्लियर? और फिर उसके बाद में जैसे ही वो आगे बढ़ा, अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुँचा, फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। क्लियर? तो इस तरीके से सिग्नल्स जो हैं वो कैसे पहुँचते हैं? वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्टर ने सेंस किया, देन न्यूरॉन के पहले पार्ट तक पहुंचा। पहले न्यूरॉन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे कोई सेंसेशन हुई है, तो इस जगह पर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे उसका पहला पार्ट जो होगा डेंड्राइट, वहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचेगा, और इलेक्ट्रिक सिग्नल से होते हुए वो साइनेप्स में पहुंचेगा, जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केमिकल इम्पल्स में। और केमिकल इम्पल्स के फिर जब वो अगले न्यूरॉन में जाएगा डेंड्राइट में, तो फिर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स, केमिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स और केमिकल इम्पल्स से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स वो चाहे ब्रेन होगा और चाहे स्पाइनल कॉर्ड होगा। अब जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाएगा तो वहां से मैसेज फॉरवर्ड किया जाएगा कि आपको ये काम करना है। ठीक, तो वही काम रिपीट होगा, वही रिपीट होगा, इसको कह सकते हैं वाइस वर्सा। ठीक, तो रिपीट होगा और फिर सेंसेशन वापस यहीं तक आएगा, फिर हमारी बॉडी क्या करेगी? रिस्पॉन्ड कर देगी। फिर हमारी बॉडी क्या कर देगी? रिस्पॉन्ड कर देगी। क्लियर? तो ये तो मैंने एक थियोरेटिकल वे में आपको बता दिया, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? क्लियर? मैकेनिज्म क्या है? तो वो मैकेनिज्म अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी नर्व फाइबर्स होती हैं, क्या नर्व फाइबर्स होती हैं, वो पहले किस स्टेज में होंगी? पोलराइज्ड स्टेज में या रेस्टिंग स्टेज में होंगी। इसको पोलराइज्ड स्टेज क्यों कहते हैं? जब तक स्टिमुलस नहीं आता है, मींस रिसेप्टर्स कोई चीज़ सेंस नहीं करते हैं, तब तक हमारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो किस स्टेज में होते हैं? रेस्टिंग स्टेज में होते हैं या पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं। इसमें पॉजिटिव आयंस बाहर की तरफ और नेगेटिव आयंस अंदर की तरफ होते हैं। ये पॉजिटिव आयंस किसके हैं? ये पॉजिटिव आयंस सोडियम आयंस के हैं। सोडियम आयंस ही हैं जिनके थ्रू इम्पल्सिंग होती है या इम्पल्स ट्रेवल करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो
ये पोलराइज्ड स्टेज में या रेस्टिंग स्टेज में तब तक रहेंगे जब तक कोई स्टिमुलस इनको मिल नहीं जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट या डीपोलराइजेशन। अब ये जो डीपोलराइज्ड स्टेट है या डीपोलराइजेशन है, यहाँ क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, सेंसेशन होगी। व्हेन द रिसेप्टर सेंस द स्टिमुलस इट मेक्स द नर्व फाइबर परमिएबल। मीन्स जैसे ही कोई सेंसेशन होगी, चाहे वो टच होगा, चाहे स्मेल होगा, चाहे हीट होगा, चाहे कोल्ड होगा, ये सब क्या है, ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं जिनके थ्रू सेंसेशन होगी। और जैसे ही सेंसेशन होगी तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत ये नर्व फाइबर को क्या कर देंगे, परमिएबल कर देंगे। कौन, ये स्टिमुलस क्या कर देंगे, नर्व फाइबर को परमिएबल कर देंगे। और परमिएबल करने से क्या होता है, ये जो यहाँ से मान लीजिए इस इतने पर्टिकुलर स्थान पे क्या हुआ, इतने पर्टिकुलर पार्ट पे सेंसेशन हुई, इतने पर्टिकुलर पार्ट पे सेंसेशन हुई और रिसेप्टर्स ने सेंस किया कोई चीज़ स्टिमुलस को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेंस करते हैं, यहाँ पे जो नर्व फाइबर्स हैं ये क्या हो जाती हैं, परमिएबल हो जाती हैं। किसके लिए, सोडियम आयंस के लिए। किसके लिए परमेबल हो जाती हैं, सोडियम आयंस के लिए या पॉजिटिव आयंस के लिए। जैसे ही ये परमेबल होंगी तुरंत इनवर्ड मूवमेंट किसका होगा, सोडियम आयंस का होगा। सोडियम आयंस का क्या होगा, इनवर्ड मूवमेंट होगा, क्लियर। अब सोडियम आयंस जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे तुरंत मूवमेंट होने लगेगा, क्या होने लगेगा, मूवमेंट। जो सिग्नल्स होंगे वो इसी सोडियम आयंस के थ्रू ट्रेवल करते हैं, क्लियर। जो हमारे सोडियम आयंस हैं इन्हीं के थ्रू सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, क्लियर। तो जब यहाँ पे ये बात हो गई तो ये अगली नेबरिंग सेल में ट्रांसमिट भी करेगा इस चीज़ को, ठीक। तो थर्ड स्टेज क्या है, द डीपोलराइज्ड पार्ट स्टिमुलेट्स द नेबरिंग नर्व सेल्स। मीन्स यहाँ पे अगर सोडियम आयंस यहाँ पे हुए मतलब इंटर किए और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो गया, अब जैसे ही सोडियम आयंस इंटर करेंगे नर्व फाइबर के अंदर तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट हुआ वो स्टिमुलेट करेगा अपनी नेबरिंग सेल्स को या नेबरिंग नर्व फाइबर को, और स्टिमुलेट करेगा तो यही यहाँ पे भी ट्रांसफर होगा, जैसे अभी तक यहाँ था अब यहाँ हो गया। मीन्स तो यहाँ वाली चीज़ें वापस रेस्टिंग स्टेज में आ गई, तो यहाँ जो नर्व इम्पल्स था, यहाँ नर्व इम्पल्स था वो ट्रेवल कर गया आगे, आगे ट्रेवल कर गया, ठीक। तो यहाँ पे फिर से वही रेस्टिंग स्टेज में पहुंच गए और यहाँ पे ये ट्रेवल कर रहा है। अब यही चीज़ आगे होती रहती है, मतलब नेबरिंग सेल्स को ये स्टिमुलेट करते रहते हैं सोडियम आयंस और नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता रहता है। ये प्रोसेस लगातार जब चलती है तो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन पहुंच जाता है हमारे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी से कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है, क्लियर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं कि रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, सोडियम आयंस बाहर होते हैं और सोडियम आयंस या पॉजिटिव आयंस बाहर होते हैं और निगेटिव आयंस अंदर होते हैं, ठीक। जैसे ही कोई सेंसेशन होती है, जैसे ही कोई सेंसेशन होगी तुरंत क्या करेंगे, रिसेप्टर्स कोई स्टिमुलस को सेंस करेंगे, जैसे तुरंत ये नर्व फाइबर को क्या कर देंगे, परमिएबल। और परमिएबल होने के कारण ये पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, अंदर की तरफ मूव करेंगे। और ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये किसके हैं, सोडियम के आयंस हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिग्नलिंग के लिए या नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए। नर्व इम्पल्स जनरेट भी होंगे और इसके साथ साथ ये आगे की तरफ अगली नर्व फाइबर को क्या करेंगे, नेबरिंग नर्व फाइबर को भी नेबरिंग नर्व फाइबर को भी क्या करेंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, और इस तरीके से ये ट्रेवल करते रहेंगे, ठीक है। और ट्रेवल करते करते ये कहाँ पहुँचेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचेंगे, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ क्या होगा, ये जो सोडियम आयंस के थ्रू नर्व इम्पल्स ट्रेवल कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सोडियम पंप। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोडियम पंप। सोडियम पंप क्या है, सोडियम पंप बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे सोडियम आयंस के थ्रू, सोडियम आयंस के थ्रू नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, ट्रेवल करते हैं। सोडियम आयंस के थ्रू क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स
ट्रेवल करते हैं और इसी ट्रेवलिंग को क्या कहते हैं, सोडियम पंप बोलते हैं। बट यहाँ पे कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इट मीन्स एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एटीपी की प्रेजेंस में सोडियम आयंस की हेल्प से जो नर्व इम्पल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं और इसी ट्रेवलिंग की प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोडियम पंप बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो सोडियम पंप है, सोडियम पंप क्या है, सोडियम पंप को ऐसे कह सकते हैं जो सोडियम आयंस होते हैं, सोडियम आयंस की हेल्प से एटीपी के कारण, एटीपी ना हो तो कोई काम ही नहीं होगा, तो एटीपी की प्रेजेंस में सोडियम आयन की हेल्प से नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेवल हो रहा है और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोडियम पंप बोलते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से क्या होता है, नर्व इम्पल्स हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं, यानी नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके कारण होता है, सोडियम आयंस के कारण होता है। किसकी हेल्प से होता है, एटीपी, इट मींस एनर्जी की हेल्प से होता है। स्फेनोमेना को क्या कहते हैं, स्फेनोमेना को कहते हैं सोडियम पंप। और ये टोटल क्या हो रहा है, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। क्लियर? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।